हम भी आए बस। मैंने नहीं गलती की थी। हेलो, वेलकम टू माय लाइफ। जो जो भी हमारे लाइफ में जुड़ा हुआ है, प्लीज़ लाइफ को लाइक कर दीजिए। अभी हमारे लाइफ में 4 की वॉचिंग हो चुकी है। प्लीज़ जो जो भी हमारे लाइफ में ऐड हो चुके हैं, प्लीज़ लाइफ को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हेलो क्वीन आर्ट एंड क्राफ्ट, थैंक यू क्वीन। हेलो कंचन जी, हेलो एक्सपेरिमेंट विद क्रैकर। जलपा जी, आप कॉन्ग्रेचुलेशन किस वो की। तो अभी हमारी दिवाली ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम क्राफ्ट नहीं करेंगे, हम ड्राइंग। तो हम अब से अपनी लाइफ में ज़्यादातर कोशिश करेंगे ड्रॉ करने की। वॉचिंग बहुत डाउन हो गई है, प्लीज़ सभी लाइफ में जुड़े रहें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम लिटिल गॉड में ड्राइंग, मैंने पहले भी कृष्ण जी की और गणेश लक्ष्मी जी की वाली वीडियो डाली हुई है, और आज मैं लिटिल गणेश की वीडियो बनाऊंगी। ये मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखे हुए हैं। हेलो मानती जी, वेलकम टू माय लाइफ। मानती जी कैसी हैं आप? पॉइंट आर्ट एंड क्राफ्ट, जो आपने रंगोली बनाई थी बहुत सुंदर थी और आपका आइडिया भी बहुत यूनिक था। जो जो भी हमारी लाइफ में आ गए हैं, प्लीज़ लाइफ को लाइक कर दीजिए। फिर हम अपनी तो आज हम लिटिल गणेश में कलर करेंगे। कोई आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे साथ जुड़ चुकी है। मानती दे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज लाइक को लाइक करके हमारे साथ बने रहें। हाँ जी क्वीन जी, आपका कमेंट शो रहा है, जरा मैं दूसरे फ़ोन में लगी हुई थी इसलिए मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रही थी।
तो चलिए हम अपने गणेश जी में कलर करना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाटर ब्रश पेंस, ये आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। मानती दे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मम्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्लीज़ जल्दी से सभी हमारे साथ जुड़ जाइए, अभी मेरी वॉचिंग काफ़ी डाउन गई हुई है। तो इन ब्रश पेन को हम ऐसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम इन्हें खोल लेंगे और अब हम यहाँ पर पानी भर लेंगे। देखिए मैंने इसमें पानी ले लिया है। कुक मानती दे हमारे साथ जुड़ी हुई है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक्सपेरिमेंट विद क्रैकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मम्मी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए अब हमने इसमें पानी ले लिया है, थैंक यू कोई आर्ट एंड क्राफ्ट। अब हम कलर लेंगे। ये मैंने डोम्स के ब्रश पेन यूज़ किए हैं, ये वाटर ब्रश पेन्स हैं और ये ब्रश पेन्स हैं, ये डोम्स के हैं। ओके क्वीन आर्ट एंड क्राफ्ट, हम ब्रश पेन से थोड़ा सा कलर अपने वाटर ब्रश पेन पे इस तरीके से ले लेंगे। जो जो भी हमारी लाइव में ऑन आ चुके हैं प्लीज़ लाइव को लाइक करके हमारे साथ चैट सेक्शन में ज़रूर आइएगा। ये वाटर ब्रश पेन ऐसे वर्क करते हैं, जैसे ही आप इनमें पीछे से थोड़ा सा पानी ड्रॉप करें, पीछे से हल्का सा प्रेशर लगाएंगी तो आगे की साइड पानी आ जाएगा। देखिए अब हमारा ब्रश गीला हो चुका है। मानती जी मैं यूपी से हूँ, यूपी सहारनपुर से। अब हम यहाँ पर कलर करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम धीरे धीरे अपने गणेश जी में कलर करना स्टार्ट करेंगे। वाटर ब्रश पेन से कलर करने से आपका कलर काफ़ी लाइट होता है और काफ़ी अच्छे से आपका फेस कर आपके फेस में डिटेलिंग्स भी काफ़ी अच्छी ऐड होती हैं। जब भी आपको लगे कि आपके वाटर ब्रश पैन में थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया है तो आप पानी इसमें से निकाल दीजिएगा। स्पेशली तो ये वाटर ब्रश पैन्स वाटर पेंटिंग, वाटर कलर की पेंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आप इन्हें वाटर ब्रश पैन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे अपने गणेश जी में प्रॉपर तरीके से कलर दे रही हूँ। पहले हम फेस के बाहर के एरिया में आउटलाइन देंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉपर कलर कंप्लीट करेंगे। देखिए अब मैं इसी ब्रश पेन से डायरेक्ट कलर दे रही हूँ, क्योंकि इस पे बार बार वाटर ब्रश पेन लगने से इसका कलर लाइट हो गया है। हमें बस ध्यान रखना है कि हमें फेस में हल्का लाइट कलर देना है। ओके मानती जी हमारे साथ ऑन है। बीच बीच में लाइव की वॉचिंग बार बार गिरे जा रही है, प्लीज़ हमारे साथ सभी
जुड़े नहीं, ऑलरेडी मेरी वॉचिंग बहुत कम है। हाँ जी मानती जी, भी वॉचिंग बहुत कम है। अभी अर्शा खातून और हिना मलिक भी नहीं आई है क्योंकि अर्शा जी की लाइव चल रही है। देखिए हमने फेस में कलर कंप्लीट कर लिया है। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, जब हम इसमें कंप्लीट कलर कर लेंगे और अच्छे से इसमें शेडिंग दे देंगे साइड में, तो कलर एकदम निखर के आता है। क्वीन जी आज मानती जी 3:30 बजे लाइव स्टार्ट करेंगी। अब से मेरी लाइव 2:30 बजे और मानती जी की लाइव 3:30 बजे हुआ करेगी, और 4:30 बजे से आपकी लाइव, तो सभी एक दूसरे की लाइव अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं सेम कलर ही गणेश जी के हाथों में और बाकी के बॉडी पार्ट में कर रही हूँ। हमें लिटिल गॉड में कलर करते हुए ब्रश पेन और वाटर ब्रश पेन दोनों का ही यूज़ करना है, क्योंकि जब वाटर ब्रश पेन गीला हो जाता है तो वो कलर उस पर नहीं आ पाता। मान दीजिए अगर आप ट्राई करेंगे तो आप भी बना सकते हैं। क्राफ्ट करना इतना भी कोई हार्ड काम नहीं है। और आपकी जो रेसिपीज होती हैं वो भी काफी अच्छी होती है। देखिए मैंने गणेश जी कि सारे बॉडी पार्ट्स में अच्छे से कलर कर लिया है। हमें बस ये ध्यान रखना है, हमें कहीं पर लाइट कलर दे, हमें साइड में लाइट डार्क कलर और बीच में लाइट कलर देना है, जिससे इफेक्ट काफी अच्छा आता है। क्वीन जी आप ना वही वाला तरीका अपना के देखिए, जैसे राकेश भाई अब सिर्फ मंदिर की वीडियो डाल रहे हैं ना, तो उनकी वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई हैं, तो आप भी अपनी वायरल वीडियोस को देखिए और वही टॉपिक डालकर देखिए, शायद आपकी भी वीडियो वायरल हो जाएंगी। आप दोनों एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि आपकी जो वीडियोस वायरल हैं, जो आपके सबसे पॉपुलर वीडियोस हैं, उसी टॉपिक पे वीडियो बनाकर देखिए दोबारा से। आई होप कि आपकी वीडियो वायरल हो जाएंगी। जलपा जी आप एक बार ना राखी की वीडियो ट्राई करके देखिए, आपकी राखी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। देखिए हमारे गणेश जी के सारे बॉडी पार्ट्स में कलर हो चुका है। आई थिंक मुझे इनके पेट में भी कलर कर देना चाहिए। हाँ जी मानती जी अभी राखी तो नहीं है, लेकिन मैंने भी ना 15 अगस्त के टाइम पे तिरंगे की वीडियोस डालना स्टार्ट किया था, वो मेरी काफ़ी वायरल हुई। 10K 20K, एक वीडियो तो 56K तक पहुंच गई है।
तो मैं अब ना जब भी तिरंगे की वीडियो डालती हूँ तो अच्छी वायरल होती हैं, उन पे व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। बाकी सब वीडियोज़ आप मेरी देखेंगे तो उन पे इतनी ज़्यादा वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा भी है यूट्यूब पे, क्योंकि मेरी तिरंगे की वीडियो बिना 15 अगस्त और 26 जनवरी की भी वायरल हो रही हैं। बाकी जलपा जी आप अपनी झुमके की वीडियोस डाल सकती हैं, आपकी फैब्रिक झुमके भी काफ़ी अच्छे चले हैं, मैंने देखे थे उन पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं, तो आप फैब्रिक झुमका भी डाल सकती हैं दोबारा। वैसे तो मैं भी अपनी चैनल में ना वैरायटी ढूंढती रहती हूँ ताकि तिरंगे के अलावा और कुछ भी वायरल हो जाए। नहीं मानती जी, इतनी जल्दी होप नहीं छोड़ते हैं। आप भी अपने चैनल पर कुछ ना कुछ वैरायटी देखिए और ये भी ट्राई कीजिए कि आपकी कौन सी वीडियोस वायरल हुई थी, वही वाली रेसिपी नए तरीके से डालकर देखिए, क्या पता फिर से वायरल हो जाए। YouTube छोड़ने से तो जो इतने टाइम की मेहनत है सब खराब हो जाएगी। देखिए हमारे गणेश जी की पूरी बॉडी पार्ट्स में कलर कंप्लीट हो चुका है, अब हम आगे कलर करना स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने गणेश जी की धोती में कलर कंप्लीट कर लेते हैं। मान जी मेरी भी बहुत सारी शॉट बिना वायरल गई हैं शुरू में, बट शायद बाय लक मेरी अभी वायरल हो रही हैं सचमुच। लेकिन सिर्फ इतने व्यूज से भी ना मोनेटाइज नहीं होगा, आई थिंक डेली 1 लाख व्यूज आए तब जाके मोनेटाइज हो पाएगा चैनल। देखिए धोती में कलर करने के लिए मैं पिंक कलर यूज कर रही हूँ। आप लोगों को वॉच टाइम मुझसे काफी अच्छा है, मेरे तो वॉच टाइम भी बहुत कम है। सॉरी। आज तो मेरी लाइफ में वॉचिंग भी नहीं है, 2-3 दिन से तो वॉचिंग आ रही थी, आज तो वॉचिंग भी काफी डाउन है। आप गणेश जी की धोती और दुपट्टा अपने अपने कलर के अपने फेवरेट कलर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं।
हेलो राकेश भाई, वेलकम टू लाइव। प्लीज़ लाइव को लाइक कर दीजिए और कंग्रेचुलेशंस कि आपकी लाइव शॉर्ट्स वीडियो वायरल हो रही हैं और आपके 1K भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम येलो कलर से अपने गणेश जी के सारे ज्वेलरी को बना लेंगे। सारी ज्वेलरी में हम येलो कलर देंगे और फिर थोड़ा सा ब्राउन से टेक्सचर देंगे। थैंक यू मानती जी। थैंक यू राकेश भाई वीडियो को लाइक करने लाइव को लाइक करने के लिए। थैंक यू क्वीन आर्ट एंड क्राफ्ट। थैंक यू एक्सपेरिमेंट विद क्रेकर। आप सब भी का थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू राकेश भाई। अब हम गणेश जी के बालों में कलर कर लेते हैं। राकेश भाई आप किसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं? सॉरी शायद मैं आप लोगों के ऊपर की चैट नहीं कर पाई। नहीं मैंने सारी पढ़ ली है। थैंक यू एक्सपेरिमेंट विद क्रैकर। किसकी सॉन्ग पे भी कॉपीराइट आया जलपा जी? किसके सॉन्ग पे कॉपीराइट आया है? शॉर्ट्स पे तो कौन सा सॉन्ग लगाया था आपने? आई थिंक शॉर्ट्स में अगर आप यूट्यूब से अगर आप शॉर्ट्स पे यूट्यूब की साइट से म्यूजिक लगाते हैं तो शायद से कॉपीराइट नहीं आता ना।
आपने सॉन्ग पहले लगा दिया था क्या एडिटिंग के टाइम पे? आई थिंक वो स्ट्राइक नहीं होगी, सिर्फ कॉपीराइट आया होगा। उससे ना शॉर्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी भी शुरू की शॉर्ट्स पे काफ़ी कॉपीराइट आए हुए हैं, लेकिन स्ट्राइक के बिना ना फर्क नहीं पड़ता है। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आए ना तो दिक्कत आती है। हेलो अर्शिया खातून जी, वेलकम टू माय लाइव वीडियो, प्लीज़ लाइव को लाइक कर दीजिए। हाँ जी, मैंने आपको पहचान लिया, प्लीज़ लाइव को लाइक कर दीजिए। जलपा जी, वो ना कॉपीराइट आया होगा, उससे ना फर्क नहीं पड़ता है। मेरी भी काफ़ी सारी वीडियोस में आया हुआ है। उसमें लिखा भी होता है कि ये ना कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, इट्स ओनली अ कॉपीराइट, और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी वीडियो पर। देखिए, हमने अपने गणेश जी में ऑलमोस्ट कलर कंप्लीट कर लिए हैं। कि आप मुझे मेरे साथ इस वाली आईडी से ज्वाइन रहिए, आयशा खातून जी। थैंक यू मेरे लाइव को ज्वाइन करने के लिए। जो जो भी हमारी लाइव में हमारे साथ नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं, प्लीज लाइव को लाइक कर दीजिए। अपना उसे अनलिस्टेड कर देती, अनलिस्टेड करने के बाद भी वो शो नहीं होती और कॉपीराइट भी हट जाता था, और व्यूज पे भी कोई फर्क ना पड़ता उससे। और डिलीट करने से व्यूज तब कम होते हैं जब आप डेली डेली वीडियोस डिलीट करते हैं। कभी एक दो वीडियो डिलीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने भी आज काफी सारी वीडियोस डिलीट की हैं अपनी पुरानी, जिन पे व्यूज बहुत कम थे। हाँ और म्यूज़िक कॉपीराइट से तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ नॉर्मल कॉपीराइट होता है। मेरी भी एक लॉन्ग वीडियो पे आया हुआ है। देखिए, हमारे गणेश जी में कलर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इनकी डिटेलिंग कंप्लीट कर लेते हैं। अर्शिया खातून जी हमारे साथ है, को मानती दे हमारे साथ है, क्वीन आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे साथ है, राकेश भाई हमारे साथ है, मम्मी जी भी हमारे साथ है। अरे मानती जी, इनका कॉपीराइट ना म्यूजिक की वजह से आया होगा, लेकिन उसका ना कोई भी फर्क नहीं पड़ता है हमारे वीडियोस पे। वो सिर्फ एक नॉर्मल कॉपीराइट आता है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप उस कॉपीराइट की डिटेल्स में जाकर देखते हैं,
अब हम अपन गणेश जी की डिटेलिंग्स गणेश जी में डिटेलिंग्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं गणेश जी के फेस में थोड़ा सा हाईलाइट अपने गणेश जी के फेस को थोड़ा हाईलाइट करूंगी। पिंक स्केच दिखाओ। तो हाईलाइट देने के लिए मैं पिंक कलर से थोड़ा सा कलर अपने वाटर ब्रश पेन पे लूंगी और धीरे धीरे हाईलाइट देना स्टार्ट करूंगी। ये हमने थोड़ा सा ब्लश की तरह लगाया है फेस पर। इससे हमारे गणेश जी और ज्यादा सुंदर दिखेंगे। और जैसे जैसे ये सूखता रहेगा ना इसका पानी, वैसे वैसे ही थोड़ा थोड़ा सा और अच्छा हाई और अच्छे से ये लगेगा। शुरू में गीला जब होता है तब लगता है कि शायद खराब हो गया या अच्छा नहीं बना, लेकिन जब सूख जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। हर्षे खातून हमारे साथ जुड़ी हुई है, कोई नाटिन क्राफ्ट हमारे साथ है, कुक मानती दे हमारे साथ है, राकेश भाई हमारे साथ है, मम्मी जी हमारे साथ है, एक्सपेरिमेंट विद क्रैकर हमारे साथ है, और ऐसे ही हम बाकी भी हाईलाइट्स दे देंगे। हम साइड साइड में थोड़ी थोड़ी सी हाईलाइट देंगे जिससे हमारे गणेश जी के फेस पर ना पिंक ग्लो आएगा। मेरे साथ तो पता है ना क्या हुआ था, मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने मिक्की माउस बनाया था उस पर कॉपीराइट आया, और जैसे ही उस पर कॉपीराइट आया ना तो कम्युनिटी गाइडलाइंस का आया था मेरे पास, तो जैसे ही उस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आई वैसे ही वो वायरल हो गई। मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो वायरल हुई थी और वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के बाद। मैंने उस पर ऑडियंस सेट नहीं की थी, मैं भूल गई थी ऑडियंस सेट करना। यूट्यूब ने अपने साइड से जैसे ही ऑडियंस उस पर सेट की वो एकदम से वायरल हो गई। ऐसे ही हम पूरी बॉडी में हल्का हल्का सा हाईलाइट कर देंगे। मैं अभी जब इसकी लॉन्ग वीडियो डालूंगी ना उसमें इसके सूखने के बाद गणेश जी के सूखने के बाद ना इनका थंबनेल लूंगी, तब आप देखना ये सूखने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। जब मैंने इस टाइप की पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगता था कि शायद ख़राब हो गया या अच्छा नहीं बना, बाद में जब सूख जाते थे तो बहुत प्यारे लगते थे और क्यूट भी बहुत लगते हैं। हाँ जी राकेश जी, लेकिन मेरा चैनल फ्रीज नहीं हुआ उसके बाद ना, मैंने उसके बाद थोड़ा ध्यान रखा, एक ही स्ट्राइक आई थी तो मैंने थोड़ा ध्यान रखा डालते हुए, वो हट गई और मेरा चैनल उसके बाद ग्रो करने लगा और मेरी वीडियोस भी वायरल होनी शुरू हो गई थी उसके बाद ही।
वरना पहले मेरी वीडियोस पे किसी पे के कोई के में जाती थी और कोई 100-200 भी रुक जाती थी, किसी पे कम व्यूज रहते थे, लेकिन उसके बाद मेरी वीडियोस काफी वायरल हुई हैं। अर्षद जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मम्मी जी हमारे साथ हैं, सुखमानती दे हमारे साथ हैं, क्वीन आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे साथ हैं। देखिए हमने गणेश जी में ऑलमोस्ट गणेश जी की बॉडी में पूरी डिटेलिंग कर ली है। जल्दी ही होंगे क्वीन जी आपकी भी वीडियो वायरल। आप एक बार ना अपनी वायरल वीडियोस को दोबारा से बनाकर देखिए नए तरीके से। राकेश भाई आपकी तो वायरल हो रही हैं वीडियोस। और देखिए हमारे गणेश जी की पूरी बॉडी में हाँ जी भगवान करे राकेश भाई सभी की वीडियोस 1 मिलियन तक जाएं, ताकि सभी के चैनल अच्छे से मोनेटाइज हो जाएं, जल्दी से मोनेटाइज हो जाएं। मैं गणेश जी की पूरी फेस की अच्छे से आउटलाइन कंप्लीट कर लेती हूँ और थोड़ी सी डिटेलिंग हम आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद ऐड करेंगे। ये अच्छा आशीर्वाद है हम यूट्यूबर्स के लिए। देखिए मैं थोड़े थोड़े से ऐसे टेक्सचर्स दे रही हूँ जिससे ऐसा लगे कि गणेश जी के बाल थोड़े थोड़े बाहर निकल रहे हैं।
राकेश भाई, जैसे आपकी शिव जी की वीडियोस वायरल हो रही है ना, तो लग रहा है शिव जी ही आपकी वीडियोस को वरदान दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अब देखिए, हम थोड़ा सिल्वर कलर से, सिल्वर ब्रश पेन से गणेश जी के बालों में थोड़ा और टेक्सचर ऐड करेंगे। अब हम बाकी के बॉडी पार्ट्स में भी आउटलाइन कंप्लीट कर लेंगे। ओके राकेश भाई, जो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि उसे भी कहिएगा, वो भी जरूर ट्राई करे, बहुत इजी है, वो भी आराम से बना पाएगा गणेश जी को। वैसे आपका बेटा बहुत क्यूट है, मैं उस दिन उसकी बातें सुन रही थी, छोटी दिवाली वाले दिन, बहुत क्यूट बातें करता है मानती जी आपका बेटा। जो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर कर कमेंट चैट सेक्शन में ज़रूर आइएगा। अक्षय खातून हमारे साथ जुड़ी हुई है, कुक बांति दे हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्वीन आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है, राकेश भाई भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मम्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। देखिए जैसे जैसे हमारे गणेश जी में आउटलाइन कंप्लीट हो रही है, वैसे वैसे वो थोड़े थोड़े डिटेल्ड होते जा रहे हैं और सुंदर भी लग रहे हैं। शुरू में बनाने में ऐसा लगता है जैसे अच्छे नहीं बनेंगे, या फिर डिटेल नहीं है, फिनिशिंग नहीं है, और जैसे जैसे हम थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग ऐड करते रहते हैं, वैसे वैसे इनका रूप निखरता रहता है, और जब अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तब तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। ओके मानती जी, आप मुझे अपने बेटे का चैनल बताना, मैं उसे सब्सक्राइब कर दूंगी। आप मुझे अपने बेटे के चैनल का नाम बता देना।
अब हमने गणेश जी में बाकी की डिटेल्स ऐड कर देते हैं। वो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम सिल्वर पेन से अपने गणेश जी की धोती में छोटे छोटे डॉट्स बना लेते हैं। और सिल्वर पेन से ही हम अपनी गणेश जी की चुन्नी में थोड़ी सी डिटेल ऐड करेंगे। अशे खातून हमारे साथ हैं, मानती जी हमारे साथ हैं, क्वीन आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे साथ हैं, राकेश भाई हमारे साथ हैं। थैंक यू मानती जी। इस बार तो लेट हो गए क्योंकि बीच में एक दो वीडियोस पे मेरे व्यूज नहीं आए और एक दो दिन में वीडियो डाल नहीं पाई, वरना आए पहले ही हो जाते। हाँ जी मानती जी, मुझे भी वॉच टाइम का ही टेंशन है अब तो, क्योंकि वॉच टाइम मेरा बहुत ज़्यादा कम है और अभी मुझे बहुत ज़्यादा वॉच टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि व्यूज़ भी इतने नहीं आ रहे हैं कि चैनल मोनेटाइज हो जाए। चैनल मोनेटाइज करने के लिए कम से कम भी 1 लाख व्यूज़ डेली चाहिए, तब जाके चैनल मोनेटाइज होगा। और अगर आप वॉच टाइम के थ्रू चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं तो कम से कम भी 11 घंटे आपको रोज मिलने चाहिए, तब आपका चैनल वॉच टाइम के थ्रू मोनेटाइज होगा। देखिए हमारे गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं। हम थोड़ी थोड़ी शेडिंग यहाँ पे देंगे सिल्वर कलर से ही। मेरा तो आपसे भी कम है क्वीन जी, आपका तो फिर भी कुछ वीडियोस वायरल हैं और कुछ वॉच टाइम उससे मिला हुआ है। मेरी तो अभी तक कोई वीडियो भी वायरल नहीं हुई है शॉर्ट लॉन्ग में, और वॉच टाइम बहुत कम है। थैंक यू क्वीन जी।
मैं बस थोड़ा सा ज्वेलरी में डार्क कलर दूंगी, से हमारे गणेश जी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। दो साल का टाइम ही नहीं होता है ना कुक मानती दे, एक साल के अंदर तो घटाने स्टार्ट कर देते हैं लोग। जैसे एक साल कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा 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 कटना शुरू हो जाएगा, जो बड़ा हुआ है वो तो सभी कट जाना है। वैसे मेरे एक रिलेटिव हैं जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया है और उनकी पैसे भी आने शुरू हो गए हैं, पता नहीं हमारा कब होगा। मैंने ऊपर एक माला की डेकोरेशन बनाई थी, अब मैं उसमें भी कलर कर रही हूँ। उनकी तो पहली इंस्टॉलमेंट भी आ गई है। कट जाएगा जब ना 365 हो जाएंगे ना, 365 दिन पूरे हो जाएंगे जिस वीडियो को, उसका कटना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपके किसी वीडियो को ना 365 दिन पूरे नहीं होंगे। एक तो इनका समझ नहीं आता है, किसी दिन जोड़ते हैं व्यूज किसी दिन नहीं जोड़ते, और कार्ड जरूर देते हैं। पता नहीं कब देगा। मोनेटाइज होने के बाद भी ना $100 जब तक आपके कंप्लीट नहीं हो जाते आपके अकाउंट में, तब तक पैसे नहीं आते हैं। हाँ जी, बस एक बार ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद तो नहीं कटेगा, लेकिन पैसे तो तभी आएंगे ना जब आपके $100 कंप्लीट हो जाएंगे। तो $100 कंप्लीट करने के लिए आपके व्यूज़ भी तो अच्छे आने चाहिए। अगर आपका मोनेटाइज हो भी गया हमारा और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो $100 कंप्लीट होंगे ही नहीं, और $100 कंप्लीट नहीं होंगे तो पैसे आएंगे नहीं। आई होप हम सबका जल्दी से कंप्लीट हो जाए। देखिए अब हमारे सिर्फ मूषक राज बचे हैं कलर करने के लिए, उन्हें भी हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। हाँ जब तक मोनेटाइज नहीं होता तब तक तो भटकते रहेंगे, बाकी जिस दिन हो जाएगा उस दिन अच्छा है। हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं और तब भी वॉचिंग सिर्फ एक ही दिखा रहा है, सबके मैसेज आ रहे हैं और वॉचिंग कम दिखा रहा है। आपके साथ भी होता है ना ऐसा जलपा जी, कि आपके साथ सबके मैसेज आ रहे होते हैं और वॉचिंग कम दिखाता रहता है?
सभी के मैसेज भी आ रहे हैं और वॉचिंग एक से बढ़ ही नहीं रही है। चलिए अब मैं अपनी लाइव बंद कर रही हूँ क्योंकि मानती दी की लाइव का टाइम हो गया है। मिलते हैं कल की लाइव में वापस से 2:30 बजे। ओके बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी और मेरे साथ मेरी लाइफ में जुड़े रहने के लिए।